वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही लजीज डिशेज इस वक्त मेरे सामने हैं। बहुत ही मज़े की जामेशीरी की ड्रिंक है और करशी जामेशीरी पाकिस्तान का नंबर वन फेवरेट है, इसलिए क्योंकि इसमें 100% खालिस अरकियात के साथ इसको तैयार किया जाता है और एक कतरा भी पानी का इसमें नहीं डाला जाता। ये पाकिस्तान का नंबर वन फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि लाइट और रिफ्रेशिंग है, इसे सब पीते हैं। जी, तो हमारी ड्रिंक की रेसिपी क्या है ना? जी, जो हमारा क्वीन मॉकटेल है, इसके लिए इसमें ऑरेंज जूस है, इसमें ग्रेप्स का जूस है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो का जूस भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसमें जाएगी जामेशीरी के 2 टेबलस्पून और साथ में इसमें जाएगी स्प्राइट। वेरी नाइस, और मज़ेदार सी इसमें जाएगी, और उसके बाद जो है हमारा टेरागोन चिकन जो 7 अप डालेंगे। जी बिल्कुल, 7 अप जरूर डालेंगे। और इधर हमारे पास ओल्पर्स फुल क्रीम मिल्क एंड फुल क्रीम से तैयार करता बहुत ही लजीज सी डिजर्ट भी है। अब हम डिजर्ट की रेसिपी की तरफ जाएंगे। ओल्पर्स फुल क्रीम मिल्क जो है, इट मेक्स योर मॉर्निंग्स हैप्पी, और आजकल तो इफ्तार और सहरी को हैप्पी बनाता है। अब देख रहे हैं कि ओल्पर्स का चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क भी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ही मज़े का है। ओल्पर्स फुल क्रीम मिल्क एंड क्रीम प्रिजर्वेटिव्स के बगैर तैयार किया जाता है, UHT ट्रीटेड है, इट गोज थ्रू 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजर के आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आपको साफ सुथरा लजीज यानी कि मज़ेदार और गाढ़ा दूध और क्रीम मिले। तो इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी जुगन, ये सिंपल हमने पहले इसके साथ कस्टर्ड बनाया था जो कि उसमें ओल्पर क्रीम डली थी और ओल्पर मिल्क इसमें गया था, 1 से 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड थे, और इसके साथ थोड़ा सा जो ट्विस्ट था वो ये था कि कस्टर्ड के साथ हमने इसके अंदर पुडिंग भी ऐड की थी। उसको बनाने के बाद उसमें थोड़ी सी क्रीम और ऐड करेंगे, नट्स ऐड करेंगे तो हमारा क्रीमी बैटर रेडी हो जाएगा। बिस्किट्स ले लें, कोई भी ब्राउन बटर मेल्टेड बटर के साथ उसकी बेस बना लें और ऊपर ये जो सारा क्रीमी मटेरियल है पोर करते हैं ऊपर, उसको गार्निश करें बिस्किट्स के साथ और नट्स के साथ। वंडरफुल, एंड देन वी हैव अ मेन कोर्स इन फ्रंट ऑफ अस, जिसकी जो हमारे हमने चिकन ग्रिल की थी उसको हमने रोज पेटल के सूप के ऊपर डाला था ताकि जो सारा ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए, और 260 कैलोरीज तक जूप जो है वो आपके ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेता है। जूप में एक और बड़ी अमेजिंग फ़ायदा और आसानी ये है कि 3 तरह के साइजेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। छोटे स्नैक्स के लिए 1 पीस काटें, जो ज़रा बड़े स्नैक्स है उसके लिए 2 पीस, और जब आप बड़ी डिश तैयार करें, प्लेटर तैयार करें, तो आप 3 पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जुगन, इसके लिए जो ग्रिल चिकन जो विद टैरागोन सॉस है, उसके लिए ग्रिल चिकन को हमने वॉस्टर सॉस और सोया सॉस, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगानो लगा के अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद उसको ग्रिल किया, उसके बाद उसकी सॉस थी बटर था उसमें, अनियंस थे उसमें, सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर, क्रीम जो ओल्पर क्रीम और ओल्पर मिल्क जो है इसमें गया, और उसकी सॉस बनाई और टैरागोन, ड्राई टैरागोन, जी ड्राई टैरागोन डालता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच शेफ अनम, गॉड ब्लेस यू। मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं, हमारा दिल खुश करती हैं, और ऑफकोर्स जब ये बातचीत हो रही होती है डिबेट के सेगमेंट की तरफ जाने से पहले, कासिम भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो एक और बैलेट में से नाम निकालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से अपने जानब अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से कीमती इनामात हैं रोज़ाना बराए थ्रू कुरानदाजी हम इसको निकालते हैं। अब वक्त हुआ जाता है बाइक का, LCD एंड मोबाइल फ़ोन निकल चुका है, उम्रे का टिकट रहता है, बाइक की तरफ अब हम जाएंगे और आप भी जीत सकते हैं अगर आप अपने बकिया वाजिबात जो हैं उनको 20 रमज़ानुल मुबारक तक क्लियर करें। ये है अल-नूर हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स के लिए, और इसके अलावा हमारे तमाम देखने वाले जो हैं वो 5 मरले का प्लॉट जीतने का शानदार मौका अवेल कर सकते हैं। अभी अल जलील डेवलपर्स, अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं, विजिट करें, टैग करें, शेयर करें, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। खुश नसीब का नाम 27 रमजानुल मुबारक को बराए थ्रू कुरानदाजी निकाला जाएगा। आ जाते हैं विनर की तरफ, एक दफा इसको अच्छी तरह से हम घुमा देते हैं, और घुमा लिया, ओके। अब आ जाते हैं बाइक के विनर की तरफ, जिसका नाम ऑफ कोर्स मेरे बहुत ही प्यारे भाई कासिम अली शाह अनाउंस करेंगे। जी कासिम भाई, बाइक के विनर हैं मोहम्मद यूसुफ, और इनका ताल्लुक लाहौर से है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLN 1702537। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मोहम्मद यूसुफ, बहुत बहुत मुबारक हो, और मुबारकबाद के साथ साथ जल्दी से एंटर कर देते हैं हम अपने डिबेटिंग कॉम्पिटिशन को।
तो आज का टॉपिक क्या है और हम पहले आज का टॉपिक मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तर है। ये क्या खूबसूरत महल नात है, बड़ी मुजफ्फरबाद साहब की जी। और पहले हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शब्बीर बलोच साहब हैं। मैं चाहूँगा शब्बीर बलोच साहब आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। मैम हमारे पूरे बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से आपके लिए और हमारे मेंटोर हमारे आइडियल पर्सनालिटी कासिम अली शाह साहब के लिए पूरे बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से तोहफे हैं, तो वो हम ले आए हैं। और जब हमारे बलूचिस्तान में किसी को चादर पहनाया जाता है तो उसको अपनी बहन समझ के अपनी पूरी मतलब ये हमारी तरफ से पूरी एक। तो अगर बहन को पहनाते हैं तो फिर आपको पहनाना चाहिए ना। मैं ये पकड़ती हूँ, वो मैं पकड़ लेता हूँ, मैं ये पकड़ लेती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई। वैसे ही आप सबको पता है व्यूअर्स, मुझे जब कोई भी जुगन आप ही बुलाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन एक बात, इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। और आपके लिए हाथों से बनी हुई जूते जो कि नायाब है और ये बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। और मेरे आइडियल मेरे मेंटोर के लिए कासिम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए हाथों से बनी हुई एक ऐसी वास्कट जो उधर की जो है ना हमारी फीमेल्स ने अपने हाथों से बाकायदा। क्या बात है, ये वेरी ना बाकायदा बना। अरे वाह, मैं मुझे पहना ही दीजिए। जी जी बिल्कुल सर। क्या बात, बहुत ही आला, बहुत ही आला। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत आला, माशाल्लाह, वाह वाह। मुनसफीन की इजाजत से जी, बिस्मिल्लाह। वो शमा वो माइक लगा हुआ, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी दुनिया के दरबारों में। सदरे आली वकार हर दौर के मसलहीन के मकाम व मर्तबा का तायुन करने के लिए अजमत इंसानियत के मयार को पेश करना पड़ता है। लेकिन सदरे आली वकार मेरा पैगंबर अजीम तर है कि उनका उस्वाए लाजवाल उस बुलंदी को छू रहा है कि जहां इंसानी जहनों के तख्लीक करदा मयार दम तोड़ देते हैं। क्योंकि एक ऐसा मयार वजूद में आता है जिसके हव्वल में आप हैं और आखिर में आप अदलो इंसाफ का मयार हो, तो आपने लोगों से ये बात कहकर उनको लाजवाब कर दिया कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उनको भी सजा देता। सदरे आली वकार इंसानी हकूक की पासदारी की बात हो तो उज्जतुल विदा के मौके पर जो बात मुंह से निकली वो तारीख का हैजाज बन गया। सदरे आली वकार मेरा पैगंबर अजीम तर है कि जब भी तलवार उठाई मजलूमों की हिमायत में उठाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजम व इस्तकलाल देखना हो तो उनका इरशाद मुलायजा फरमाए कि अगर कुफार मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इशाहत इस्लाम का फरीजा नहीं छोड़ूंगा कि किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने बर का मौला कर दिया, आदमियत का गर्ज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। आप सब लोगों की समातों का बेहद शुक्रिया।
यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं नूरे रमजान जो आप तक पहुंचाया जा रहा है बाय अल नूर ऑर्चर्ड. चलते हैं कासिम भाई आपके पास वापस. हमारा टॉपिक फिर से रिमाइंड कर दें ब्रेक के बाद एंड देन आवर कंटेस्टेंट. आज का टॉपिक है मेरा पैगंबर अजीम तर है और हमारी नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है आपका नाम है फायजा कमल. आप बेटा कहाँ से हैं? लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस. अच्छा, दैट्स वेरी गुड. रेडी हैं आप? तैयार हैं? चलें बिस्मिल्लाह कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز سامعین السلام علیکم. ذی وقار, آج مجھے جس عنوان کو آپ کی وساطت سے اس ایوان کی زینت بنانے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. علی وقار, اللہ رب العزت نے جب آدم کو یعنی انسان کو پیدا فرما کر جنت میں سوائے ایک درخت کے سب کچھ مباح فرمایا اور شجر ممنوع کے کھانے پر حبوط الی الارض کا حکم دیا اور حکم دیا کہ میری طرف سے پیغام ہدایت کا انتظار کرو, تو زیوکار اسی غرض سے دنیا میں بہت سے انبیاء کرام انسانوں تک تعلیمات پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے تا آنکہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ آمینہ کے در یتیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور بے شک یہی پیغمبر عظیم تر ہیں. علی وقار, آپ علیہ السلام بلا شک و شبہ لازوال اوصاف کے مالک ہیں, لیکن مظفر وارسی کا یہ کلام آپ علیہ السلام کے اوصاف میں سے صفت پیغمبری کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہیں, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. معزز سامعین, یہ بات مسلم ہے کہ جتنا اہم پیغام ہو پیغمبر بھی اتنا ہی معتبر منتخب کیا جاتا ہے, اور یہ پیغمبر تو رب تعالیٰ کا پیغام لائے جنہوں نے کمال خلاق اور جمال ہستی سے اپنا فریضہ سر انجام دیا. زیوکار, آپ علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہیں, جن پر عمل کر کے ہم صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتے ہیں, عناصر کو مسخر کر سکتے ہیں, پہاڑوں کے جگر پاش پاش کر سکتے ہیں, ستاروں پر کمندے ڈال سکتے ہیں اور زمانہ کی زمام قیادت سنبھال سکتے ہیں. مگر افسوس, صد افسوس زیوکار, کہ آج کے مسلمان نے ان تعلیمات کو چھوڑ کر مغرب کی تقلید کو اپنا شیوا بنا لیا ہے اور مغرب کے لوگ ان تعلیمات سے سبق حاصل کر کے جداد کی دنیا میں تہلکہ مچا رہے ہیں اور ہم عیش و عشرت کی زندگی میں اپنے مقصد حیات کو بھلا چکے. شعور لایا, کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. علی وقار, آج کے یہ امت اپنے عظیم پیغمبر کی تعلیمات کو بھول کر خود ساختہ فرقہ واریت میں ایسی گھری ہے کہ اپنے نبی کو بھول گئی, مگر اس کائنات کے ذرے ذرے نے وجہ کائنات عظیم پیغمبر کو یاد رکھا. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو, رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. سامعین, آخر میں رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عظیم پیغمبر کی پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. واٹ بیوٹیفل پریزنٹیشن. اور ہماری بچی نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے ایز پر ایس او پیز. ویری امپریسو, ویری امپریسو. بہت اچھا تھا جی. ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ نے اب ہمیں جوائن کر لیا ہے. نیکسٹ جو پارٹیسپینٹ ہے ان کا نام ہے سید کمال احمد. کمال, آپ کہاں سے؟ جھنگ سے. اور کہاں پڑھے؟ پنجاب یونیورسٹی لا کالج. اچھا, دیٹس ویری گڈ. ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جی, بسم اللہ کیجیے. مجھے تجھ سے پیار ہے مگر تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے, میں دل پر ہاتھ رکھ کر یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں. یہ مبارک الفاظ اس ہستی کے ہیں صدر محترمہ کہ جس نے مشرکین مکہ کی شرارتوں کے سبب اپنا وطن تو چھوڑ دیا لیکن اپنی سنت سے بتا دیا کہ محبتوں کو پروان چڑھانا ایمان کا حصہ ہے. جی ہاں صدر محترمہ, منظر بدلتا ہے,
फतह मक्का के रोज आजिजी और इनकिसारी की मिसाल दिखाते हुए उन्हीं मकीने मक्का को माफ कर देने वाला मेरा पैगंबर अजीम तर है, वक्त की चंद सातों में अपने पैगंबर की अजमत के कौन कौन से कसीदे बयान करूं कि मेरे अल्लाह ने आदम को सफीउल्ला, इब्राहिम को खलीलुल्ला और इस्माइल को जबीउल्ला, मगर एक लकब मेरे मोहम्मद के लिए बचा कर रखा और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि मेरा पैगंबर अजीम तर है, वक्त की अजीम तरीन किताब में, दुनिया की अजीम किताब में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा कहकर खुद रब्बे बारी ताला ने कहा मेरा पैगंबर अजीम तर है। ताइफ के मैदानों में पत्थरों से लहू लुहान होकर गालियां सुनकर बददुआ नहीं बल्कि दुआ देने वाला मेरा पैगंबर अजीम तर है। नूह अलैहिस सलाम और दूसरे अंबिया कराम की सैकड़ों साल की मेहनत और मोहम्मद रसूलुल्लाह की 23 साल की दावत तबलीग से दुनिया भर में आज दीन मोहम्मद की लोरिया सुनाने वाला मेरा पैगंबर अजीम तर है। जी हां अली, जी हां सदरे मोहतरमा, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्शे हस्ती उभर ना सकती, वजूदे लोहो कलम ना होता, तेरे गुलामों में भी नुमाया जो हर्फ अव्वल सखुन ना होता, न अरब होता जमीन ना होती, अरब ना होता अजम ना होता, ये महफिले कोनो मका ना होती अगर वो शाह उमम ना होता, ये महफिले कोनो मका ना होती अगर वो शाह उमम ना होता। सदरे मोहतरमा, ज़रूरत इस अमर की है कि उस खुदाए वाहदहु ला शरीक ने एक अजीम पैगंबर को मबूस फरमाया और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा था। हमें भी वो ऐसा जोश और बलबला पैदा कर दिया, जी चाह रहा था एकदम से सारे खड़े हो जाए। जी बेटा, क्या बात। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जी इर्ज़म का मतलब क्या होता है बेटा? इर्ज़म का मतलब है बहादुर, शेर की तरह बहादुर। दैट्स वेरी गुड जी, आज हम सब डर गए। शेर की तरह बहादुर अंदाज में आपने पेश करना है। बहुत अच्छा जी, आप क्या पढ़ रही हैं, कहाँ से पढ़ रही हैं? आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और वहाँ से मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूं। दैट्स वेरी गुड, रेडी हैं जी? यस सर। बिस्मिल्लाह कीजिए। ख्यालात, एहसासात और महसूसात के इजहार का वसीला होते हैं सदर आली वक़ार। अल्फाज मोहब्बत और नफ़रत के तफावत का तयन करते हैं। अल्फाज अशिया के ख्वास, उनके माख़िज़ और इर्तका की तरतीब बताते हैं। बात कुछ भी हो, बात कैसी भी हो, तारीफ़ो तौज़ीक किसी की भी हो, अल्फाज के दायरे में मुक़ीद होती है। लेकिन कायनात की एक शख्सियत ऐसी है आली वक़ार जिसके लिए अल्फाजों का चुनाव तकरीबन नामुमकिन है। आली वक़ार, ना उसकी तबीयत के लिए, ना उसकी सरिश्त के लिए, ना उसकी आदत के लिए, ना उसकी इबादत के लिए, ना उसकी पाकीज़गी के लिए, ना उसकी तहारत के लिए, ना उसके इलम के लिए, ना उसके हिलम के लिए, ना उसकी सखावत के लिए, ना उसकी शुजात के लिए मुकम्मल अल्फाज किसी भी जुबा में ना बने हैं, ना बनेंगे, ना बन सकते हैं। आली वक़ार, अल्लाह ताला का अहले ईमान पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ऐसा पैगंबर भेजा जिसने इस कौम को गुमराही के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। एक दूसरे के खून के प्यासे कलमे के अटूट रिश्ते में बन गए। शेख सादी फरमाते हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आली वक़ार, मेरा पैगंबर तो वजह कायनात, इमाम अंबिया, ताजदारे दो आलम, सरवरे दो जहां है। मेरे पैगंबर की तारीफ में तो मेरे रब ने पूरा कुरान भेज दिया, वही तो सुल्ताने बहरोबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सदर अली वक़ार,
शख्सियत का वो जो कमाल तो देखिए, एक तरफ जूते फटे हुए हैं, जमीन पर चलना मुहाल है, तो दूसरी तरफ मिराज पर खुदा के सामने महज फासले कुज़ैन से बैठे हैं, दूसरी और एक तरफ गुलाम सैयदना बिलाल के जख्मों पर मरहम रखे तो दूसरी तरफ पत्थर हाथ में कलमा पढ़ दे, एक तरफ गजवात की तैयारी तो दूसरी तरफ सगी बेटी ज़ैनब के कातिल हब्बार बिन अस्वद को माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जिस लिहाज से, जिस वतीरे से, जिस तनाजुर से देखो, मुकम्मल, मुफस्सल और मुजम्मल नजर आती है। और अगर आपका हुसन देखो तो अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सज्जा, कमाल खलाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं असमत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तय है, शऊर लाया किताब लाया, वो हशर तक का नसाब लाया, वो हर जमाने का रहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें अब्दुल बासित ज्वाइन करेंगे और फाइनल हम स्पीच उनकी सुनेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। और व्यूअर्स, हमारा डिबेट कंपटीशन जारी है। डिबेट के सेगमेंट का आज का टॉपिक, वैसे तो ये हमारी ज़िंदगी का हर रोज़ का टॉपिक होना चाहिए अपने आप को रिमाइंड करने के लिए, मेरा पैगंबर अजीम तर है। जी कासिम भाई, नेक्स्ट एंड फाइनल फाइनल जो पार्टिसिपेंट है उनका नाम है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आप कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। क्या पढ़े? मैं बीए ऑनर कर रहा हूँ उर्दू के अंदर। अच्छा, दैट्स वेरी गुड जी। रेडी हैं आप? जी। तो फिर आपका तलफ्फुज और आपका बयान करने का तरीका सबसे बेहतरीन होना चाहिए अगर आप बीए ऑनर्स इन उर्दू कर रहे हैं तो। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करें जी। इजाजत जी। ये सहराए अरब है सदरे आली वकार, जहाँ इंसानियत कामयाब है, जहाँ औरत एक लौंडी है और बेटी एक ताना समझी जाती है, जहां तहजीब नहीं बल्कि बद तहजीबी को अपनी रिवायत समझा जाता है, जहां पर्दाए शऊर पर जहालत के डेरे हैं, जहां इल्म हुनर और अदब पर बुग्ज़ो अदावत को बजा समझा जाता है, सदरे आली वकार ये कानून खुदाबंदी है कि वो किसी कौम की इस्तेताद से ज्यादा उस पर बोझ नहीं लादती, तो फिर इस कौम की हिदायत के लिए ऐसे पैगंबर को मबूस किया गया कि जिसने सफेद परचम लेकर मफतूहा इलाके में कदम रखा, जिसने हबशियों की गर्दन से तोके गुलामी उतार कर उन्हें मौज़ने रसूल होने की सनद अता फरमाई, जिसने ताइफ के बाजारों में पत्थर खाकर भी दुआएं दी और एक कलील अरसे में इस्लाम को मुकम्मल जाब्ता हयात के तौर पर पूरी दुनिया में नफूस फरमाया, जीवकार जहां रोशनी तारीकी के पंजों में सिसकियां ले रही थी, शहर आलाम का मस्कन, मसाइब का घर और बदअमनी के गहवारे थे, वहां आपके किरदार की रहमत से बुतकदा बैतुल्ला और यसरब मदीना बन गया। अरब की उस कदीम माशरत में कि जहां अपनी औलाद को गोद में उठाना बाइसे नदामत समझा जाता था, वहां मेरे आका अपने नवासों को अपने कांधों पर उठाए सरे बाजार फिरते हैं। ये वही सरवरे दो आलम हैं जो अपनी बेटी की तशरीफ आवरी पर खड़े हो जाया करते थे ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को पता चले कि वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। ये वही अजीम पैगंबर हैं जिसने ये वही अजीम पैगंबर हैं कि जिसने पत्थर मारने वाली उस औरत को और कूड़ा फेंकने वाली औरत को अजीम समझा और अखलाक व मोहब्बत का ऐसा दर्स दिया कि अहले कलम ये कहने पर मजबूर हो गए कि वो मंजिले अरबाबे नजर फिक्र की तजसीम, वो काबे तकदीर दो आलम रुखे एहसास, वो बज़्मे शबो रोज़ का
सुल्ताने मुअज्जम वो रौनके रुखसार है, अलमासो अलमास वो रौनके सारो अलमासो अलमास। आप सबकी समातों बेहद शुक्रिया। वेरी गुड जी, शुक्रिया अब्दुल बासित जी। कासिम भाई, वक्त कम, आज फिर मुकाबला बड़ा सख्त है, और जो थर्ड नंबर है मैं थर्ड से स्टार्ट करूंगा। मैं आपसे भी चाहूंगा, जो फर्स्ट पे हमारा बड़ा डिस्कशन ब्रेक पे भी रही, थर्ड नंबर हमारी बेटी का है, फायजा कमल का। बेटा वेरी नाइस, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे पढ़ के सुनाया जा रहा है, उसमें एक्सप्रेशन नहीं था, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन और अल्फाज का ज़रा भर के बोलना, अल्फाज को उनकी अदायगी वो कमज़ोर थी, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वेरी नाइस, आपके लिए अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट नंबर टू। अच्छा नंबर टू जो है वो कह लीजिए कि नंबर टू पे भी मुश्किल है थोड़ा सा फैसला, और नंबर टू पे हमारी बेटी हैं इर्ज़म। इर्ज़म बेटा आप आ जाइए। वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, वेरी नाइस, शाबाश। आपको अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अच्छा नंबर वन पे आपने क्या डिसाइड किया है कि हम आज, मैं अपने भाइयों को भी शामिल करना चाहूँगा कि ये भी कुछ राय दें, क्योंकि डिस्कशन हमारी ब्रेक में हुई, फैसला बड़ा मुश्किल है, दो लोग हैं और दोनों ही बिल्कुल करीब करीब हैं, मतलब इशारिया का शायद कोई कह लें फ़र्क है, नंबर एक का फ़र्क नहीं है, अगर एक का होता तो एक सेकेंड हो जाता, एक फर्स्ट हो जाता। हम अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों को ही इस पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप तो यानी कि हमारी राय है कि वो जो सबसे पहले आए थे भाई ना जी, जी जी, वो बड़ा सफर करके भी आए हैं और मोटिवेशन, कोशिश बहुत अच्छी की है, कोशिश भी उन्होंने नंबर वन पे है जी, मोटिवेट करने के लिए सैयद कमाल अहमद और शब्बीर बलोच दोनों ही नंबर वन पे हमने कर दिए, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की थी आपने। आइए आ गया जी, अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर बेटा, और आपके लिए भी अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चों। और अगर हम चार कंटेस्टेंट्स को गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें पांचवे को भी दे देना चाहिए, बिकॉज ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। अब